लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार उसी के गांव में किया गया। पीड़िता की बहन ने मांग की थी कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने परिवार से बात की और अंतिम संस्कार के लिए मनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य और मंत्री कमल रानी वरुण उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहीं पुलिस कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने कहा, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए और पीड़ित लड़की की बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत हुई है। जो इनकी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला करके और जल्द से जल्द उसकी सुनवाई पूरी की जाए, ये इनकी मांग थी, ताकि दोषियों को कठोर से कठोर दंड समय पर मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कैसे दोषियों को कड़ी दंडात्मक सजा हो, उसी वक्त से प्रारंभ कर दी जाएगी। बाकी परिवार जन की भी सुरक्षा की जाएगी और जो भाई है उसके द्वारा मांगे जाने पर आत्मरक्षार्थ अलग से हम आर्म्स लाइसेंस भी जैसे नियम के अनुसार, आर्म्स एक्ट के अनुसार प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो इनका ये मानना है कि नौकरी वगैरह, हाँ वो जैसा मैंने कहा ना, चूंकि घर बहुत ही गरीब हैं तो इसलिए बहन को बीए पास है, तो एक उचित नौकरी का बंदोबस्त भी हम लोग करेंगे। और इसके अलावा जैसे घर आपने देखा तो घर भी पीएम आवास के तहत, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिताजी को अलग, क्योंकि परिवार बड़ा है, जैसे उन्होंने बताया कि साहब इसमें 10-11 लोग रहते हैं हम लोग, इसलिए हमने कहा कि इसको जंग अस्पताल में शनिवार को पीड़िता का निधन हो गया था। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।